टू माई चैनल निशा किचन। आज मैं एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे बिना तंदूर बिना ओवन में घर में ही गैस में ही तंदूरी चिकन की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते मेरे स्टाइल में तंदूरी चिकन की रेसिपी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिकन लिया है हाफ के जी, अच्छी तरह वॉश करके लेंगे फ्रेंड्स। अब चिकन में कट मार्क्स लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जूम करके हमें कट मार्क्स लगाने हैं कि अच्छी तरह मसाला मैरिनेट हो सके, अंदर तक जा सके। सभी पीसेस को कट मार्क्स लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाउल में डाल दिया है चिकन के पीसेस को, हमें मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट के लिए देखिए फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और फ्रेंड्स दही लेंगे, 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। और फ्रेंड्स, 2 पिंच रेड फूड कलर है, ऑप्शनल फ्रेंड, अगर आपको मन हो तो डालिए, यानी ना डालें, इससे अच्छा कलर आएगा तंदूरी कलर। सभी चीज़ों को फ्रेंड्स हमें मिक्स करना है, हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि मसाला अच्छी तरह से कोट हो सके चिकन में। देखिए फ्रेंड्स, हमें अच्छी तरह से कट मार्क्स लगाए हैं, उसके अंदर तक हमें मसाले को अच्छी तरह से डालना है। देखिए फ्रेंड्स, चिकन मैरिनेट हो गया है फ्रेंड्स। ये 30 मिनट्स के लिए रेस्ट रखेंगे, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 30 मिनट्स हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तब इसे फ्राइंग का प्रोसेस करते हैं, फ्राई करेंगे। तो पैन में हम फ्राई करेंगे गैस में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन रखा है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। अच्छी तरह से बटर को मेल्ट करेंगे, चिकन के पीसेस को रखेंगे। और फ्रेंड्स, हमें लो टू मीडियम फ्लेम में चिकन को फ्राई करना है, यानी रोस्ट करना है, जब तक डार्क पैचेस ना जाए चिकन के ऊपर। दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से कुक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा कि आपको न्यू वीडियो का अपडेट हमेशा टाइम पर मिलता रहे। सारा मसाला एक्स्ट्रा हमें सारा डाल देना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स, अब साइड को चेंज करेंगे। 5 to 7 मिनट्स लगे हैं वन साइड समय रोस्ट करते हुए, यानी फ्राई करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे डार्क पैचेस आ गए हैं वन साइड। अनदर साइड भी हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से वन साइड कुक हो गया है हमारा चिकन। हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से चिकन को रोस्ट करना है, जैसे साइड भी पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से अच्छी तरह से डार्क पैचेस आ गए हैं, यानी तंदूरी जैसे तंदूरी में होता है डार्क पैचेस, तंदूरी चिकन में देखिए वैसे आ गया है। पैन को रखेंगे, चिकन हो गया। अब तंदूरी फ्लेवर देंगे गैस में। स्टैंड रखेंगे, जाली स्टैंड, इसके ऊपर फ्रेंड्स हमें चिकन के पीसेस को रखना है हाई फ्लेम करके। हाई टू लो फ्लेम करेंगे, देन हमें इसे तंदूरी फ्लेवर देना है। ऊपर से बटर लगाएंगे। सभी पीसेस को हमें इसी तरह से हमें तंदूरी फ्लेवर देना है। यू फ्रेंड्स, देखे घुमा कर अच्छी तरह से चारों तरफ से कि तंदूरी फ्लेवर आ सके ऊपर से। फिर हम बटर लगाएंगे नेक्स्ट साइड से। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा तंदूरी चिकन बन के रेडी है गैस में ही। बन के हमारा तंदूरी चिकन रेडी है। ऊपर से फ्रेंड्स चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर दिया, हमारा तंदूरी चिकन रेडी हो गया गैस में ही। तंदूरी चिकन बन के रेडी है। आई होप फ्रेंड्स आपकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।